जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चक्र ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश धर्म चक्र में। और चलिए अब हम आपको बताएंगे शनि देव की कृपा कैसे पाएं और किस्मत कैसे चमकेगी, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और इसके लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, आज मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो दंडाधिकारी शनिदेव आपकी किस्मत चमका सकते हैं। तो आज का इस उपाय आपको चूकना नहीं चाहिए। इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए और इस उपाय को अपने जीवन में अपना करके लाभ लीजिए। शनि चरित्र में कर्म की प्रधानता बताई गई है। शनिदेव जो है वह हमारे आपके कर्मों के आधार पर ही आपका और हमारा जो है वो लेखा जोखा लिखते हैं। वह हमें न्याय देते हैं कि भाई हमारे कर्म कैसे हैं। मैंने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो शनिदेव मुझे उसके अच्छे परिणाम देंगे, आप देखेंगे मैं सर्वसंपन्न हूँ। अगर मैं बुरे कर्म करूँगा, मैं कोई गलत कार्य में संलिप्त होऊंगा तो निश्चित तौर पर इसी जीवन में शनिदेव मुझे उसकी सजा भी देंगे, मुझे उसके लिए सजा भी झेलनी पड़ सकती है। तो इसीलिए शनिदेव के बारे में कहा गया है कि वो न्याय के अधिकारी हैं, वो हमारे कर्मों के आधार पर हमें अच्छा और बुरा फल देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि शनि चरित्र में कर्म की प्रधानता बताई गई है। शनिदेव की उपासना कर्म और कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्पित व प्रेरित करती है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव बुरे कर्म करने पर ही प्राणियों को कई तरह से दंडित करते हैं। जो धार्मिक दृष्टि से शनि की महादशा, अंतरदशा, धैया, साढ़े साथी, शनिदेव की चाल या शनिदेव की क्रूर दृष्टि के रूप में जानी जाती है, मतलब ये सारे टर्म्स हैं, ये सारी भाषा हैं जिसके रूप में हम जानते हैं कि शनिदेव की स्थिति जो है या शनिदेव की दृष्टि हमारे ऊपर बहुत शुभ नहीं बन रही है। कोई कहता है कि हमारे ऊपर ढैया चल रही है, कोई कहता है साढ़े साथी है, कोई कहता है महादशा है, अंतरदशा है, इस वजह से मैं परेशान हूँ। तो ये अलग अलग शब्दावली है जिससे हम ये जानते हैं कि शनिदेव निश्चित तौर पर हमसे नाराज चल रहे हैं। तो किस प्रकार रूठे हुए शनिदेव को मनाया जाए, इसी बारे में आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि सांसारिक जीवन में शनि का यह दंड शरीर, मन, सामाजिक, पारिवारिक या आर्थिक परेशानियों के रूप में हमें मिलता है। अगर कोई व्यक्ति शनि की पीड़ा से पीड़ित होगा तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे चाहे वह कितना भी समृद्ध हो, अगर शनिदेव की अशुभ दृष्टि आ गई या अशुभ महादशा, अंतरदशा, धैया या साढ़े साथी का समय आ गया तो सारी समृद्धि चली जाती है, सामाजिक मान सम्मान चला जाता है और निरंतर वह व्यक्ति जो है विपन्नता की तरफ, गरीबी की तरफ बढ़ता जाता है। चूँकि हर प्राणी कर्म व कर्तव्य से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए पैदा हुई हित या स्वार्थ पूर्ति की भावना से ही जाने अनजाने मन, विचार व कर्म दोषों का भागी तो बनता ही है। धर्म की दृष्टि से ऐसे दोषों का शमन प्रायश्चित या क्षमा द्वारा ही संभव हो पाता है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो सबसे बेहतर ये है कि आप न्यायाधिकारी के सामने यानी जज के सामने अपनी गलती को, अपने पाप को स्वीकार कर लें, अपने पापों का प्रायश्चित कर लें। अब यहाँ पे जज कौन है, न्यायाधिकारी कौन है, वह शनिदेव हैं। तो किस प्रकार शनिदेव के सामने हमें अपनी गलती को स्वीकार करना और क्षमा मांगनी है, यही उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इस उपाय को कर लिया और शनिदेव आपसे प्रसन्न हो गए तो जीवन में हर प्रकार के सुख,
हर प्रकार के साधन आपको प्राप्त हो सकते हैं, तो बहुत आवश्यक है ये उपाय, बहुत ध्यान से सुनिए। यही मूल वजह है कि किसी भी रूप में कर्म, विचार या व्यवहार से हुए बुरे कामों के लिए न्यायाधीश शनि का ध्यान करके उनसे विशेष मंत्र से क्षमा मांगना चाहिए। यह जो उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपको शनिदेव की कृपा दिला करके आपके सारे रुके हुए, बिगड़े या जो आप मन चाहे अपने काम करना चाहते हैं, अपनी आकांक्षाओं को सिद्ध करना चाहते हैं, उनको पूरा करने का बेहतर उपाय साबित हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। तो अब आपको करना क्या है, आइए बहुत विस्तार से आपको, बहुत तसल्ली से आपको समझाता हूँ। आपको करना यह है कि शनिवार को स्नान के बाद यथासंभव काले वस्त्र धारण करें। काले वस्त्र धारण करके ही शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। फिर उसके बाद शनि मंदिर में शनिदेव का ध्यान करके प्रतिमा को पवित्र जल से, तिल या सरसों के तेल, काले वस्त्र, अक्षत, फूल, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। बहुत सारे लोग सरसों के तेल का अभिषेक करते हैं, तिल के तेल का अभिषेक शनिदेव के ऊपर करते हैं। उससे जुड़ी हुई भी कथा है, बहुत छोटी सी कथा है। एक बार हुआ क्या कि जब युद्ध समाप्त हो गया, लंका का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान श्री राम जो है अयोध्या नगरी में आकर के राज करने लगे। उन्होंने, हनुमान जी अपनी साधना में एक जगह लिप्त थे, अपनी साधना में ध्यान लगा करके बैठे हुए थे, सीताराम जी का ध्यान कर रहे थे। शनिदेव को मालूम नहीं था कि ये कौन है। शनिदेव तो भाई अपने घमंड में चूर कि मैं शनिदेव हूँ, मुझसे सब डरते हैं। आके उन्होंने हनुमान जी की साधना में विघ्न डाला। हनुमान जी ने समझाया कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं अपने गुरु की साधना कर रहा हूँ, मुझे साधना करने दो। शनिदेव नहीं माने। शनिदेव ने कहा कि अगर आपको साधना करनी है तो आपको पहले मुझे युद्ध में हराना पड़ेगा। शनिदेव नहीं माने। हनुमान जी ने बार बार समझाया कि मुझे मेरे गुरु की साधना पूरी कर लेने दो, आप विघ्न मत डालो। शनिदेव नहीं माने। हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान जी ने किया क्या कि उन्होंने पूंछ में शनिदेव को लपेटा और उड़ चले, लेकर के उड़े और पहाड़ों पे पटकना शुरू किया, पटक पटक के उनको मारना शुरू किया। जब शनिदेव लहूलुहान हो गए, चोटिल हो गए, उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भारी भूल हो गई, आप तो ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी निकले, मुझे नहीं मालूम था कि ये ब्राह्मण जो है वो हनुमान जी है, हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दें, मैं अपनी गलती की क्षमा मांगता हूँ। तब हनुमान जी ने उन्हें छोड़ा और हनुमान जी ने ये वचन लिया कि जो भी आज के बाद से हनुमान भक्त होगा, आप उसे परेशान नहीं करोगे, और आज के बाद से जो भी तुम्हारे घावों पर सरसों का तेल लगाएगा, ये मरहम की तरह होता है, जब आप उनके घावों पर सरसों का तेल डालते हैं, आप सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं शनिदेव को, तो वो प्रसन्न होते हैं, उनकी चोट में, उनके घाव में ये मरहम का काम करता है, इसलिए सरसों के तेल का अभिषेक किया जाता है। और अभिषेक करने के बाद शनिदेव के जो खासतौर पर विशेष मंत्र हैं, उनका आपको जाप कर लेना चाहिए। यह सबसे सरल और सबसे चमत्कारी मंत्र है, ओम शन शनेश्चराय नमः। इस मंत्र का आप वहीं बैठ करके जाप कर लें। इसके बाद यदि आपसे संभव हो जाए तो शनि चालीसा, शनि स्तवराज या फिर शनि भार्या स्त्रोत का पाठ कर लेना चाहिए, या शनि स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। ये आप करें तो आपको फायदा मिलेगा। मंत्र ध्यान व पूजा के बाद शनिदेव की आरती करना चाहिए, और उसके बाद जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उससे जाने अनजाने हुए बुरे कर्म व विचार के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, और आने वाले समय को सुखद और सफल बनाने की आपको कामना करनी चाहिए। तो किस मंत्र से आपको शनिदेव से क्षमा मांगनी है, न्यायाधिकारी से अपने लिए क्षमा मांगनी है, आइए आपको मैं बताता हूँ। यह मंत्र आपको इस प्रकार से उच्चारित करना है, अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हर्निशम मया, दासोयमति माम मत्वाम, क्षमस्व परमेश्वर, गतम पापम, गतम दुःखम, गतम दारिद्र्यमेव च, आगतम सुख संपत्ति, पुण्योहम तव दर्शनात्। इस मंत्र के साथ आपको शनिदेव का ध्यान करना है, उनसे क्षमा मांगनी है। मंत्र एक बार पुनः सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि किस प्रकार आपको शनिदेव से अपने किए हुए, जाने अनजाने किए हुए पापों की क्षमा मांगनी है। यह मंत्र इस प्रकार है, अपराध सहस्राणी क्रियन्ते अहर्निशम मया, दासोयमति माम मत्वाम, क्षमस्य परमेश्वर, गतम पापम, गतम दुःखम, गतम दारिद्र्यमेव च, आगतः सुख संपत्ति, पुण्योहम तव दर्शनात्। इस प्रकार से आप शनिदेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जाने अनजाने जो भी गलती हो गई हो मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे कुटुंबजनों से, मुझसे जो भी पाप हो गया हो, आप हमें क्षमा करें। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, शनिदेव इस उपाय से प्रसन्न होंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपने तेलाभिषेक भी किया, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जीवन में कोई भी ऐसी आकांक्षा, कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो शनिदेव की कृपा से आप प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं,
उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनिदेव की स्थिति बहुत मजबूत पाई गई है, तो निश्चित तौर पर शनिदेव की कृपा रही तो आप भी जीवन में सफल व्यक्तियों के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, ऐसी हमारी प्रार्थना है आपके लिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो सुना आपने इस खास मंत्र और कुछ खास उपाय के जरिए आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी तो जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और आपकी किस्मत चमक उठेगी। चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि धार्मिक परंपराओं में क्यों रात में शिवलिंग के पास दीपक लगाना चाहिए और इस परंपरा के पीछे क्या है खास महत्वता। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। चक्र, जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।